जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अक्षरा बेटा, बुरा लगा ना, सबके सामने तुम्हें टोक दिया। बुरा लगना भी चाहिए, पहले ही दिन सास ने डांट दिया। माफ कर दो बेटा। नीचे सब लोग, बुरा क्यों लगेगा? आपने जो भी कहा ठीक कहा। मैं नहीं जानती ठीक कहा या नहीं, पर मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी बहू की निंदा करे। और यहां तो बात बढ़ती जा रही थी। मैं तो सब रिश्तेदारों को चुप कराना चाहती थी, लेकिन कड़वे बोल तुम्हें बोल दिए। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना आंटी जी, बल्कि मेरी अपनी माँ भी ऐसी ही है। अगर मैंने ये गलती उनके सामने की होती ना, तो मुझे आपसे ज्यादा डांटती। यहाँ तो आपने सिर्फ ख्याल रखने के लिए कहा है, जो कि सही है। मैं चाहती हूँ हमारी नई नवेली बहू को संसार भर की खुशियां मिले। ये जो सब रिश्तेदार आए हुए हैं ना, खूब नजर रखे हुए हैं तुम पर। तुम कैसे उठती हो बैठती हो, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा हर काम उनकी पैनी निगाह से गुजरेगा। इसलिए बेटा, हर कदम सोच समझ के उठाना। हमारे दादाजी ने आज तक किसी की नहीं सुनी है। हमारे घर की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी उन्होंने। इसीलिए ये रिश्तेदार चार नुक्स गिनाने के मौके तलाशते हैं। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। माँ, दादाजी तो बहुत नाराज होंगे ना मुझसे। मैंने बड़ों का जो निरादर कर दिया। तू अब तक अपने दादाजी को नहीं जाना, उनकी रोक टोक पर इतना ध्यान देगा तो जाने नहीं पाएगा कि उनका असली रूप क्या है। क्या भूल हो गई मुन्ना से? अरे वो तो अपनी पत्नी की तरफ से बोल रहा था, और गलत के क्या उसने? किसने किसका साथ दिया और कौन किसके विरुद्ध गया, ये ना देखो, पहले ये देखो कि बात सही है या गलत। अरे जही तो काम आवे हैं हमारे संस्कार। जो हमारे छोरे ने किया कि बहू को रीत रसम ना मालूम, तो आप बड़े हैं, आपका फर्ज के बने हैं कि आप उसे वो सब बतावें। मुन्ना ने कुछ गलत ना कहा। अरे मारे घर में भी तो छोरी है, कल को जब वो ब्याह के जावेगी तो हम भी तो उसके ससुराल वालों से कुछ उम्मीद करेंगे कि ना। हम अपने बहू को ये कह के आयाल आए थे कि अपनी बेटी जितना प्यार देंगे, क्या अपनी बेटियों को भूल चुक हो जाती है तो हम उन्हें माफ नहीं करते? और इस वक्त अक्षरा बिटिया एक कोरे कागज जैसी है, उस पर हम जो भी लिखेंगे वही वो समझेगी जानेगी। बिल्कुल 16 आने खरी बात की आपने, पर ये तो सरासर अन्याय है बहू के साथ। ससुराल में पग धरा नहीं और यहाँ के सारे तौर तरीके जान ले। वैसे हमारी अक्षरा बहुत समझदार है, हमारे रंग ढंग में ढलते उसे देर नहीं लगेगी। ये तो बहुत बुरा हो गया कि वो यहां आई और आप सबने उसे डरा दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि इतनी सी गलती का इतना तूल मत बना, लेकिन बुआ जी जो बोलने लग गए तो
लो, मैंने क्या किया है? मैं तो सिर्फ टोक रही थी। जरा सी बात का पतंगड़ तो आप ही बना रही हैं। हाँ। क्या बुआ जी, मैंने कहा आपने शुरुआत की थी। तुम कह रही हो क्या कर रही है? मैंने बस बस बहू आ रही है। मारी आप सबसे यही विनती है कि बहू के सामने ऐसी कोई भी बात न की जावे जो उसे इस बात का एहसास भी होवे कि वो अपने पिता के घर में ना ससुराल में है। कल से आरती तू ही करेगी और उससे पहले सुबह सुबह मने रामचरितमानस का पाठ भी सुनावेगी। सुनावेगी ना कहे कि हमारे घर में पूजा से पहले बहुएं चाय नाश्ता ना करती। कल से सुबह पकत पे उठ जाना। उठ जावेगी ना? हाँ, क्यों नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। छोटी दुल्हन चलो आरती करो। आज खाने में क्या बनाए? मैं सोच रही हूँ कि चने, बेसन, भिंडी और क्या हुआ माँ? नहीं, क्या बात है बड़ी बहू, बड़ी खुश नजर आ रही हो। खुश क्यों ना होंगी भला, मन की साथ जो पूरी हो गई है, बेटी की शादी अच्छे से संपन्न जो हो गई है। बड़ी बहू और रेखी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। समुद्र में लहरें ना हो तो नाव खेलने में मजा नहीं आता। बड़ी बहू, मैं तो सवेरे से यूं ही चिंता कर रही थी। क्यों माँ? पता नहीं हमारी बच्ची ससुराल में खुश भी है या फिर वो। माँ, कल रात को तो बात हुई थी उससे, बात करके तो यही लग रहा था कि ठीक है। हाँ बड़ी बहू, पर इतने सारे लोगों के बीच हमारी बच्ची कुछ कह ना पाई हो और चुप रह गई हो तो? भगवान, माँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पर, अक्षरा को किसी चीज की जरूरत ना हो। और आज तो पूजा और रस्मों का दिन है। भगवान, सब ठीक से संभाल लेगी ना अक्षरा? अरे दीदी, वो संभाल लेगी, आप परेशान मत होइए। बाल गोपाल, छोटी तो चल मेरे साथ। अब सब ठीक है बड़ी बहू, चिंता ना करें तो मुझे चिंता होने लगती है। तुम भी ने सेठानी बदलोगी नहीं, अपनी चिटोले के लिए बड़ी बहू को परेशान कर दिया तुमने। लड्डू पूजा के लिए मैं तुझे दूसरा दे दूंगी, जितना चाहे उतना।
अंशु कितना तंग करेगा? अरे भाभी तो होती चिढ़ाने के लिए, भाग अंशुमन। ये तुम्हारे घर की बहू है? अरे बच्चों की तरह भागती फिरती है। तेरे ससुराल वालों ने तेरे को सर पे चढ़ा के रखा, हाँ नहीं तो क्या? अरे तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुझे? अब बस कर, मगर मत के आंसू मत बहा। क्या यहाँ से? हाँ नहीं तो क्या? माँ, अक्षरा को दिया हुआ वचन भी भूल गई कि वर्षा को बहू नहीं बेटी मानेगी। अब जाने दो बड़ी बहू, कोई बात नहीं, सब लोग घर के ही तो हैं, सब उनका स्वभाव जानते हैं। वहां फिर भी सॉरी बेटा, वो मैं क्या सोच रही हूँ कि हम माँ की भी टिकट करा देते हैं। आज रिसेप्शन के बाद और कोई रस्म तो बाकी भी नहीं है, तो माँ को भी भेज देते हैं। बेटा तू बात कर ले, पूछ ले नानी जी से। नानी माँ, वो मैं क्या कह रहा था कि अगर हम लोग अचानक से प्लेन की टिकट करवाएंगे तो शायद नहीं मिलेगा। अगर आप कहते हो तो मैं अभी करवा देता हूँ, इसीलिए मैं आपसे पूछने आया था। शौर्या, मुझे लगता है कि मैं रतन के साथ निकल जाऊँ, मुझे छोटू की बहुत याद आ रही है। चलो ये तो अच्छा है माँ। हाँ रतन भी कह रहा था कि छोटू आपको बहुत याद कर रहा है, तो अरे छोटू से मिलना तो एक बहाना है, मुझे तो अपनी बहू को समझाना है। अरे आजकल बहू और रतन दोनों मिलकर अपनी मर्जी से घर चला रहे हैं। हाँ अरे रीति रिवाजों की भी परवाह नहीं करते ये लोग। अरे नहीं नहीं क्या कर रही है? हाँ करिए। अरे आपको मालूम नहीं है समनन जी, मेरे पीछे मेरी बहू घर बार सब लुटा देगी। अरे रतन को भी न जाने क्या क्या सिखाती रहती है, अरे अपनी माँ के खिलाफ भड़काती रहती है। अरे हाँ मुझे तो बहुत सारी तैयारी करनी है, मैं तो चली बाबा। माँ आप खुद ही तो नानी को भेजना चाह रहे हो और खुद ही दुखी हो रहे हो। है तो मेरी माँ ही ना, बस के स्वभाव की वजह से परेशान हो जाती हूँ, वरना कौन सी बेटी ऐसा चाहेगी कि उसकी माँ उससे दूर जाए। बहू बबलू, तू अकेला देवर है यार, तो ये रसम तुझे करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं छड़छड़ी की रसम। अब सुन क्या करना है, तुझे अपनी भाभी का घूंघट हटाकर उसकी शक्ल देखनी है, और तेरी इस हरकत पर तेरी ये भाभी तुझे बहुत मारेगी इससे। देवर भाभी की ये खास रसम है, आजा। मौसी जी, मुझसे ये नहीं होगा, किसी और से ये रसम करवा लीजिए ना,
मुझसे नहीं होगी। अरे किसी और से क्यों, तू तो रिसेप्शन में भी नहीं होगा, आज ये रस्म तुझे ही पूरी करनी होगी। क्या ये लोग रिसेप्शन के लिए नहीं रहेंगे? देखिए ना भाभी माँ, मेरे घर से अकेली जीजी हैं और ये भी अचानक जाने की बात कर रही हैं। वो बबलू की जरूरी मीटिंग आ गई है इसलिए जाना पड़ रहा है, वरना मैंने तो इतना रोकने की कोशिश की, ये मान ही नहीं रहा है। भाई ऐसे तो ना जाने देंगे हम। बबलू बेटा तू अपनी मीटिंग बाद में कर लियो, क्या है कि मुन्ना की रिसेप्शन बार बार थोड़ी ना होगी। हाँ। दादाजी अगर टाल सकते तो यूं जाते थोड़ी, क्षमा कीजिएगा हमें थोड़ी देर में निकलना ही होगा। तो ठीक है, आज ये रस्म आपको ही निभानी पड़ेगी। अब मौसी जी संजीव से ये रस्म करवा लीजिए ना, वो भी तो भाभी का तेवर ही हुआ ना। ठीक है बबलू, अगर आशु अपनी भाभी से मार नहीं खाएगा ना तो मैं भी ये मौका तेरी बीवी को नहीं दूंगा। तुझे अपनी बीवी से मैं जरूर पिटवाऊंगा और तेरी बीवी से मार मैं नहीं खाऊंगा, देख लेना। सॉरी भाभी, रसम है ना, निभानी तो पड़ेगी। देखो बहू, जैसे ही बबलू घूंघट हटाए इसे मारना, अच्छे से पीटना। मैं मार नहीं खाऊंगा, देख लेना। देखते हैं, देखते हैं। अच्छे से मारना। ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।